हाँ जी क्या मनाते हैं? ये हर महीने के तीसरे रविवार में अंतर्राष्ट्रीय योग योग करते हैं, कंपलसरी है। वली किसकी बेसिक में उसका बेहद में क्या अर्थ है? हर सोमवार को दूसरे महीने में नहीं, हर महीने के तीसरे रविवार को, हर महीने के तीसरे रविवार को। तो अपनी अपनी रस्म रिवाज स्थापन कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। कुमार का दादी थी तो उन्होंने 5 बार नमाज पढ़ने की शूटिंग डाल दी, सारा दिन में 5 बार सारा काम धाम छोड़ करके याद करना है। ऐसे कौन याद करते हैं? मुसलमान याद करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा बाबा का मॉन्यूमेंट बनाई दिया, जैसे मुसलमानों में कब्र बनाए देते हैं। तो ये तो अपनी अपनी भांति भांति की रस्म रिवाज हैं। आज वो रस्म रिवाज चल रही हैं, कल दूसरा मुखिया बैठ जाएगा, वो अपनी रस्म रिवाज चलाएगा। और वो भी बीज रूप स्टेज में आते हैं, निराकारी स्टेज में आते हैं, तो पता थोड़े चलता है किसी को। ऊंचते ऊंच भगवान का क्या मतलब है? बाबा कहते हैं ना ऊंचते ऊंच भगवान। तो कोई से टैली किया नहीं? किया किससे टैली किया? इन धर्म पिताओं से टैली किया। और हाँ जोर से बोलो। राधा सतयुग में जन्म लेके हाँ गर्भ से जन्म नहीं लेंगे तो कहाँ से आएगा? हैं? अरे आप क्या समझते थे? है ब्रह्मा कुमारियों ने तो समझाया था एक बार कि सितारा परम धाम से आएगा और प्रिंस प्रिंसेस बन जाएगा। मैंने गर्भ की बात ही नहीं बताई, लेकिन देवताओं में मनुष्यों में सिर्फ विकारी और निर्विकारी का फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। कि वो निर्विकारी इसलिए होते हैं कि वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं और मनुष्य देवान में रहते हैं। और शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा तुम्हारी पावरफुल होती जाएगी। क्या शरीर कंचन काया बनता है? पहले दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी कि परिस्तान बनेगी? क्या बनेगी? तो ऐसे ही समझ लो, शरीर सड़ते जावेंगे, 5 तत्व तामसी होते जावेंगे, क्योंकि वो 5 तत्व जड़ हैं। वो जड़ 5 तत्व योग लगाना नहीं जानते, और तुम्हारी आत्मा ज्ञान योग को
जानती है, इसलिए आत्मा पावरफुल बनेगी, शरीर पावरफुल नहीं बनेगा। कंचन काया बनने की बात जो है वो सड़ा हुआ शरीर ही आत्मा पावरफुल होने के कारण परम धाम में उड़ जाएगी, एकदम निराकारी स्टेज में जाएगी। तब तक शरीर बर्फ में दब जाएंगे और उन्हीं शरीरों में आत्मा प्रवेश कर जाएगी। और संगम युग में ये पांच तत्व जो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश है जिनसे ये शरीर बनता है, ये तामसी बनेंगे, अति के तामसी बनते जाएंगे या सात्विक बनेंगे। इनका सात्विक बनना और तामसी बनना इनका आधार क्या है? योग बल ही तो आधार है। सारी मनुष्य सृष्टि को परमात्मा बाप का परिचय मिलेगा या नहीं मिलेगा? हैं? तो जब सारी मनुष्य सृष्टि योगी बन जाएगी और उसमें भी सब एक जैसे योगी बनेंगे कि नंबरवार बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। तो जो अव्वल नंबर के योगी होंगे, अभिविचारी योगी, उनके द्वारा उनके योग बल से प्रकृति के पांच तत्व सुधरेंगे, या 500 करोड़ के द्वारा प्रकृति के पांच तत्व सुधरेंगे? पांच तत्व किनके योग बल के द्वारा सत्व प्रधान बनेंगे? हैं? हाँ, जो अभिविचारी योगी होंगे तो उनका संगठन जब तैयार हो जाएगा, बाबा ने कहा पहले स्थापना होगी कि विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। ऐसी 4.5 लाख आत्माएं तैयार होंगी, यथा राजा तथा प्रजा योग बल वाली ज्ञानी तू आत्माएं, और उनका संगठन मजबूत होने पर 500 करोड़ की दुनिया का विनाश होना जरूरी है या नहीं है? है? जरूरी है। फिर 500 करोड़ की दुनिया का विनाश जब तक नहीं होगा तब तक ये पांच तत्व सतोपदान नहीं बनेंगे। और फिर वही सतयुग। अरे सतयुग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग किसे कहते हैं? संगम किसे कहते हैं? संगम किसे कहते हैं? बोलो बोलो। संगम माने कलयुग और सतयुग का संगम। तो कलयुग ही रहेगा संगम में कि सतयुग भी है संगम में? सतयुग भी है संगम में। जो सतयुग है संगम में उसमें ऐसी स्टेज बनेगी आत्मा की, सात्विक स्टेज, जो गीता में भी बोला है कि जब योग निष्ठ हो जाते हैं आत्मा संपूर्ण ज्ञानी बन जाती है, तो कितना भी विकराल दुख पड़े उसमें भी वो प्रसन्न रहती है, कितनी भी प्रकृति की कड़ी परीक्षा आ जाए तो भी प्रसन्नता का अनुभव करेगी। ऐसी आत्मिक शक्ति होगी।
और 36 तक किसी की भी कंचन शरीर कंचन काया नहीं बनेगी जब तक विनाश नहीं होगा सारी सृष्टि का नहीं। अरे बिना पांच तत्वों का विनाश होना तामसी बनना 100% जरूरी है या नहीं है, है? और पांच तत्व तमो प्रधान 100% कब बनेंगे? जब ये 500 करोड़ की सृष्टि तमो प्रधान बने, अति की तमो प्रधान बने, तब ये पांच तत्व भी विकराल रूप धारण करेंगे और सारे ग्रह उपग्रह लौटपौट हो जाएंगे। उसी बीच में मूसलाधार बरसात भी होगी, सारी सृष्टि पर मूसलाधार बरसात होगी तो सारी सृष्टि का वातावरण कैसा हो जाएगा? एकदम शीतल हो जाएगा, चारों ओर सृष्टि पर बर्फ ही बर्फ। तो उस बर्फ में किनके शरीर दबेंगे? हैं? जो पक्के योगी होंगे उनके शरीर दबे रहेंगे। कोई चीज बर्फ के अंदर रख दो, आधा सड़ा हुआ फल हो आधा अच्छा हो, तो उसमें सड़ा हुआ रह जाएगा कि बह जाएगा? है, सड़ा हुआ बह जाएगा और अच्छा अच्छा रह जाएगा। और पीछे बैठो, इंटरफियर मत करो, पीछे मीटर दो मीटर पीछे बैठ जाओ, बहन को इंटरफियर मत करो, समझाने वाले को। अगर कुछ पूछना ही है तो कोर्स पूरा होने के बाद वो भाई चला जाए, बहन चली जाए, फिर बाद में पूछो। और जो मिनटो फोटो होती है वो एक मिनट में कैसे बनती है? जो मोटर के कारखाने बने हुए हैं वहां जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि एक एक पुर्जे को बनाने का अलग अलग कारखाना है। वो सारे पुर्जे रेल की पटरी में इकट्ठे करके रख देते हैं किनारे किनारे, एक पुर्जा लगाया गाड़ी आगे बढ़ी, दूसरा पुर्जा लगाया गाड़ी आगे बढ़ी, तीसरा पुर्जा लगाया गाड़ी आगे बढ़ी, आखिरी पुर्जा लगाया और गाड़ी तैयार, तब तक दूसरी गाड़ी आ जाती है। तो मिंटो मोटर तैयार हुई या नहीं हुई? ये है शरीर रूपी मोटर। शरीर रूपी मोटर भी नई दुनिया में सात्विक बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, लेकिन टाइम लगेगा ना। और ये ड्रामा पुरस्कार कराए ड्रामा का फोर्स ऐसा पड़ेगा कि ड्रामा के बाई फोर्स आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्या घड़ी घड़ी आपको लग रहा है सामने हत्यारा आ रहा है मार डालेगा? ये हिंदू मुसलमानों की मारकाट की लड़ाई चल रही है 47 की तरह, पता नहीं कब मार डाले। अब क्या होगा बोलो रही है? वो ड्रामा याद कराएगा। हाँ, सत्व प्रधान बुद्धि का मतलब है माया का आत्मिक स्थिति में जब आत्मा टिकेगी तो माया अपोजिशन करेगी ही नहीं। जैसे कोई आत्मिक स्थिति में टिका हुआ हो तो उसमें कोई भूत ही नहीं प्रवेश करता है,
अगर कोई में भूत प्रवेश किया हुआ हो और कोई की अच्छी स्टेज हो, आत्मिक स्टेज महसूस कर रहा हो और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, तो भूत क्या करेगा? भाग जाएगा। ऐसे ही माया है। और हाँ, अरे प्रैक्टिस किसकी पड़ी हुई है? ये 63 जन्म की प्रैक्टिस बाबा ने की है। दृष्टि विविचारी बनाने की या हमने की है? हमने की है तो फिर उसको भुगतना भी किसको पड़ेगा? हमको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, जैसे अमृत वेले बैठते हैं तो कभी जब भी तो अच्छा लग जाता है और कभी बुद्धि भटक जाती है, तो क्या देखते हैं? कभी तो अच्छा योग लगता है। हाँ, और कभी ये तो बुद्धि भटक जाती है। हाँ, उसके लिए क्या करना है? ये 63 जन्मों की रील घूम रही है। 63 जन्मों में कभी अच्छे कर्म किए हैं, वो रील में अच्छे कर्म आते हैं तो ऑटोमेटिक अच्छा पुरुषार्थ हो जाता है। न प्रयास करने पर भी अवस्था बढ़िया बन जाती है, और जब बुरे कर्मों की रील आती है तो कितना भी प्रयत्न करें तो भी अवस्था सुधरती नहीं है। तो सारा अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब सामने आ रहा है। माँ की दीदियों बहुत बुलाने की कोशिश कर रही है, भाई बहनों को बोलती है तुम वो 6-7 भाई बहनों को लिया बोले इधर, अपने इधर लिया बेसिन में। किसको? अपने इधर के भाई बहनों को पीछे बुला रहे हैं वो है? तो हमको पीछे बुला रहे हैं वो बेसिन वाले, आ जाओ उधर मत जाओ बोले। क्यों? तो हम लोगों ने उनने बोला, फिर भाई ने एक भाई ने बोले अब हम आगे की पढ़ाई पढ़ रहे, बोले हमने वो पढ़ाई पढ़ ली, अब हम समझ गए बोले सब। हाँ ठीक है, तो चुप हो गए अभी। तो अभी तो बहुत मतलब कोई डॉक्टर आ रहा तो कोई मतलब इसको बुला के ला रहे, ये कर रहे अभी। ठीक है, और है? हाँ, सोमरस कब से मिलेगा? जब सोम तैयार हो जाएगा पुरुषार्थ में। अभी तो सोम बाबा ही कह रहा है कि गीता का भगवान साकार मैं हूं, दूसरा कोई कैसे हो सकता है? और चौदह साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ, आज मेरी 74 साल की उम्र है। हाँ, अभी भी मेरा संघर्ष पूरा नहीं हो गया है, क्या बात है? कौन सा इतना पाप है? ज्ञान कब से आया? ज्ञान में तो मेरे को 12-13 साल। 13 साल बेसिक है? बेसिक में मुझे 12-13 साल। और एडवांस में? अभी 1.5 साल। 1.5 साल तो ज्ञान में आने के बाद संघर्ष बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? हैं? घटना चाहिए। अरे भगवान किसी के पाप पुण्य नहीं लेता है, समझ तो देता है। समझ तो देता है, समझ दी है ना, सबको समझ दी है। ज्ञान तो सबको, ज्ञान माने समझ, समझ तो सबको दी है, लेकिन कोई ने ज्यादा पाप किए, कोई ने कम पाप किए, कोई ने बहुत संघर्ष किया है 63 जन्मों में, कोई ने 63 जन्मों में कम संघर्ष किया है। तो वहां 63 जन्मों में संघर्ष किया होगा तो यहाँ शूटिंग पीरियड में दिखाई नहीं पड़ेगा है? दिखाई पड़ेगा। तो संघर्ष करना खराब बात नहीं है, क्या झूठ से संघर्ष करना अच्छी बात है।
ये द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक झूठ ही दुनिया है। संघर्ष करते करते शरीर है कलयुग में और द्वापर युग में राजाओं के छूटते रहे। जिन राजाओं ने देश की रक्षा के लिए सच्चाई से संघर्ष किए, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी वगैरह वगैरह, महारानी लक्ष्मीबाई। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा आया हुआ है, तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और ऊपर ब्रह्मा है, ऊपर ब्रह्मा, नीचे विष्णु है, नीचे विष्णु, दोनों साइड में है, दोनों साइड में कौन महेश, विष्णु के दोनों साइड में महेश, दोनों साइड महेश, और बीच में से नर्मदा जी बह रही है उनकी उल्टी, उसका भेद में क्या? बाबा ने कहा माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए हैं। क्या? जैसे जैसे भिखारी बुद्धि बनती गई वैसे वैसे चित्र बनाती गए। और शंकर की पूजा क्यों नहीं होती? शंकर की पूजा क्यों नहीं होती? ओहो, शंकर याद में बैठा है। शंकर क्या करता है चित्रों में? याद कौन करता है? पुरुषार्थी या जिसका पुरुषार्थ संपन्न हो गया हो? वो है जो पुरुषार्थी है वो ही याद करता है। जिसका पुरुषार्थ संपन्न हो गया उसे याद करने की दरकार नहीं। जैसे लक्ष्मी नारायण खड़े हैं वो याद में है क्या? नहीं, आत्मिक स्थिति में है। तो इससे साबित होता है कि शंकर का जो शरीर है वो पुरुषार्थी शरीर है। जब निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएगा पुरुषार्थ पूरा करने के बाद, तब वो शरीर नहीं रहेगा, हाथ मुंह कान नाक आंख काल वाला, वो लिंग बन जाएगा, निराकार की यादगार, जिसको हाथ पांव नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, उस लिंग में वो शिव है बिंदु। तो लिंग की पूजा होती है या मूर्ति की पूजा होती है? हैं? लिंग की पूजा होती है। हाँ, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग इनको विशेष क्यों पूजा जाता है? बारह ज्योतिर्लिंग है इनको ही क्यों विशेष पूजा जाता है? क्योंकि ये सूर्यवंशी है और सब चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्ध वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं। ये अलग अलग एरिया में क्यों है? अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसा एक ही जगह बैठ के पुरुषार्थ करेंगे, एक के ऊपर बैठ के एक है। हाँ, और हाँ, उनकी फिर विष्णु का पाठ नहीं चलता है? अरे 2003 के बाद दो ही मूर्तियों का तो पाठ हुआ पूरा, और तीसरी मूर्ति कौन सी है? विष्णु। वो विष्णु का पार्ट बाद में चलता है, वो भी शूटिंग पीरियड में है। जैसे एडवांस वाले जब एडवांस में आ गए तो उनकी भी शूटिंग है, और बेसिक वाले हैं उनकी भी शूटिंग अभी चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही, चल रही है।
लेकिन एडवांस वालों के मुकाबले जो बेसिक वाले हैं वो और ज्यादा गिरती कला में हैं या उठती कला में हैं? गिरती कला में। ऐसे ही जब विष्णु की तीसरी मूर्ति उभरती है सेवा फील्ड में, तो तीसरी मूर्ति सात्विक स्टेज वाली है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के उनमें प्योरिटी के संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए वो आत्माएं तेजी से आगे बढ़ती है विजयमाला। और रुद्रमाला तैयार तो होती है लेकिन विजयमाला में ऐड करने काबिल नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, पतित होने की रग पड़ी हुई है, इसलिए ये नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे नहीं शूटिंग बंद हो गई, कोई भी फिल्म है कोई भी नाटक है, जब तक एकदम संपन्न स्टेज में शूटिंग नहीं हो जाती, रिहर्सल एकदम संपन्न स्टेज में नहीं हो जाता, तब तक नाटक शुरू कर सकते हैं, फिल्म दिखा सकते हैं बाहर नहीं। ऐसे ये भी है, पहली मूर्ति के 33 साल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा 68-69 में, 33 साल पूरे हुए, उसके बाद 33 साल और ऐड कर दो, कौन सा वर्ष आया, 76 से आगे ऐड तो करना पड़ेंगे ना, कि दूसरी तीसरी मूर्ति को नहीं ऐड करेंगे। ऐसे ही एक तीसरी मूर्ति विष्णु है, इसका भी कार्यकाल नोदा हुआ है, रंगमंच पर स्टेज में आकर के वो तीसरी मूर्ति भी पार्ट बजाती है, तो उसकी मूर्ति बनी हुई है, मंदिरों में पूजा होती है, पार्ट बजाया है तब तो पूजा होती है, वो प्रैक्टिकल पार्ट है, ब्रह्मा का था सुनने सुनाने का पार्ट, दूसरी मूर्ति का है समझने और समझाने का पार्ट, और तीसरी मूर्ति का है प्रैक्टिकल पार्ट, सुनने सुनाने और समझने समझाने से काम पूरा हो जाएगा है? जब तक प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करें, प्रैक्टिकल में धारणा करनी पड़े या नहीं, तो ये तीसरी मूर्ति सर्वोपरि है पुरुषार्थ में, क्योंकि ये ब्रह्मा भी बैठे हैं और शंकर जी भी बैठे हैं, हम भी मुस्लिम वो खड़ा है, मुख्य पुरुषार्थ है ही प्योरिटी का। और एडवांस में हाँ हाँ भोजन छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, खाते नहीं है, क्यों नहीं खाते, क्या शूटिंग क्या होगी, अरे कोई कारण होगा, पेट में खराबी होगी या तो खाते ही नहीं है, खाते नहीं है, खाना खाने के टाइम पे नहीं आते, तो कोई बात नहीं, कोई दूसरे धर्म के होंगे, दूसरे धर्म वालों में ब्रह्मा भोजन थोड़ी चलता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है क्या वहाँ, इसलिए नहीं खाते हैं? वो पेट बार बार खराब होगा कि एक बार होगा, हाँ
आपको घर ही याद आता है या गीता पाठशाला और मधुबन भी याद आता है? आप गीता पाठशाला और मधुबन को अपना घर समझते हैं या घर को ही घर समझते हैं? हैं? घर को ही घर समझते हैं? मधुबन को भी घर समझते हैं। मैंने ये भी घर वो भी घर। ये कहो वो शरीर का मजा लेने का घर और ये है आत्मा का मजा लेने का घर। आत्मा का घर गीता पाठशाला भी है और आत्मा का घर मधुबन भी है, लेकिन जो धंधा धोरी करते हैं जैसे गीता में लिखा है, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हैं, वो ही भगवान का बच्चा आत्मा, परमात्मा का बच्चा आत्मा। तो वो शरीर का घर है या आत्मा का पोषण का घर है? हैं? शरीर के पोषण का घर है, शरीर के मजे लेने के लिए जाते हैं उस घर में। बाबा जैसे बोला है तो इसमें मतलब कैसा समय आ जाएगा ना बाबा? कैसा? बोलना पड़ेगा। हाँ तो उस समय की बात, उस समय की बात है, या तो ज्ञान छोड़ दो, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। अभी आप ज्ञान सरोवर स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आप अपने घर में बैठ जाएंगे और ज्ञान सरोवर वाले छोड़ के चले जाएंगे, गीता पाठशाला भी वाले भी गीता पाठशाला बंद कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे या बंद कर देंगे, तब आप ज्ञान सरोवर में स्नान करेंगे या नहीं करेंगे? घर में बैठे करेंगे? हैं? ज्ञान सुनना पड़ेगा? नहीं, ज्ञान सरोवर में जो अभी स्नान कर रहे हैं उनको ज्ञान भी छोड़ना पड़ेगा, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। और हाँ, हाँ, बुद्धि से कोई सरेंडर हो जाए और शरीर से सरेंडर ना हो, माने शरीर से पवित्र ना बने, तो क्या रिजल्ट आएगा? है? फिर ऐसे ही है, इस ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है पवित्र बनना, और माया तो इस्लाम धर्म से है कनेक्टेड। माया कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है वो इस्लाम धर्म की, इस्लाम धर्म का मुख्य अवगुण क्या है? नहीं, काम माने कामना, कामना तो देवताओं में भी होती है कुछ न कुछ। हाँ, विविचार, वो विविचारी वृत्ति को माया नहीं छोड़ती है कभी, बेसिक ज्ञान में चलती है। बाबा ने मुरली में कहा कि शिव बाबा बैठ करके एक एक बच्चे को सकाश देते हैं दृष्टि से, तुम बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे, और माया ने क्या किया, दृष्टि का विकार नहीं छोड़ पाई, दृष्टि से विविचार नहीं छोड़ पाई, और ना अपने संगी साथियों फॉलोअर्स को छोड़ने दिया। ऐसे यहां भी है,
एडवांस में भी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी दूसरा धर्म हो, विदेशी धर्म, जो विदेशी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी, उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठेगा कि एक शिव बाबा ही राजयोग सिखला सकता है, एक शिव बाबा के अलावा कोई भी राजयोग नहीं सिखला सकता। वो अनेकों को नीचे गिराने के निमित्त बनती है, राजयोग सिखलाना शुरू कर देती है। और ऐसा इंडिया में बहुत जगह चल रहा है। बड़ी माँ को क्या हुआ? अनिश्चय बुद्धि हुई या निश्चय बुद्धि? अरे सुनंती कथंती भागंती हुई या नहीं हुई? है हुई बस, काम तो बहुत अच्छा किया। सात्विक स्टेज में जो हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत और किसी धर्म वाले ने नहीं दिखाई, पंजाबी खून ने दिखाई। इसलिए बोला व्यक्तवाणी में कि समर्पण होने में, तेरा बनने में पंजाब का खून आगे गया, पंजाब की कन्या आगे निकल गई। अब जो आगे निकल गया उसके पीछे पीछे सब चल पड़े। पहले अकेले मेहनत करनी पड़ी, बाद में 2-4-8 साल के बाद ढेर के ढेर दक्षिण भारत से निकल पड़े। वो बड़ी माँ ना निकली होती तो इतने आज जो एडवांस में बैठे हैं बैठे होते? नहीं बैठे होते। और हैं बोल तो दिया पहली अव्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये नहीं बोला जगत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है, अंत में निकलेगी। गंगाएं भी अंत में निकलती जब प्रत्यक्षता होती है बाप की। और बाबा ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, फिर जो घर में रहने वाले वो अनिश्चय में आ जाएंगे और ज्ञान छोड़ देंगे, फिर क्या होगा बाबा? क्या होगा? क्या होगा? माला बनेगी नंबर बार, फिर भाई परीक्षा हमेशा के लिए होती है या थोड़े समय की होती है? हैं? थोड़े समय की परीक्षा होती है बाबा। वापिस आ जाएंगे ना बाबा? वापिस आ जाएंगे, फिर बाद में वापिस आ जाएंगे। भाग के कहाँ जाएंगे? भागने वाले जो पहले पहले परम धाम जाएंगे वो पहले पहले नई दुनिया में आएंगे, जो बाद में जाएंगे वो बाद में दुनिया में आएंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो, तो जब परमधाम इस सृष्टि पर उतरेगा तो शिव बाबा और शिव बाबा के नजदीकी बच्चे या कहो पास विद ऑनर होने वाले बच्चे नंबर वार परमधाम में जाके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? हैं? बैठेंगे। हाँ, मैं 2-3 महीने इधर नहीं आ पाई तो मुझे ऐसा का ऐसा मतलब सपने में आप आए और आप मैं यहाँ बैठी नींद के अंदर। हाँ, नींद के अंदर ऐसा का ऐसा मुझे पूरा दिखा और आप आ गए, मुझे आप नाराज हो गए मुझसे। आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं? कहाँ? कब से? यहाँ पहले मैं वहाँ मुरैना में चली गई थी। हाँ, मुरैना पहले आप दिखे जब तो मैं पहचानती नहीं थी आपको। हाँ, स्टार्टिंग में आप दिखे जब मैं नहीं पहचानती थी,
तो मैं मुरैना चली गई। मुरैना में फिर मुझे वहाँ से बेसिक में चली गई। फिर बेसिक में 2-3 महीने गई हूँ तो फिर मुझे एडवांस मिल गया। एडवांस में आ गई फिर। फिर वहीं थी मैं। तो अभी साल भर वहाँ भट्टी अट्टी सब की मैंने दरी और फिर इधर आई। तो इधर रेगुलर ही कर रही हूँ। हाँ, कब से? ये दिसंबर से। दिसंबर से? हाँ जी, मुरैना से दिसंबर में। हाँ, रेगुलर माने रोज क्लास में आते हैं, हैं? हाँ, तो ये 2-3 हफ्ते नहीं आई ना। 2-3 हफ्ते से आई नहीं मैं। आई नहीं? हाँ। क्यों? ऐसे उलझ गई है। उलझ गई, उखड़ गई, उलझ गई। कहाँ? क्या मालूम, घर में या आ नहीं पा रही मैं, यहाँ पे आ नहीं पा रही। चलो, पर्सनल बातें बाद में कर लेना। हाँ हाँ, माँ बाप भाई बहन का माँ बाप भाई बहन का धन एक में दे सकते हैं। माँ बाप अपने भाई बहन का? नहीं, माँ बाप भाई बहन का हम धन एक में दे सकते हैं। ये कहा लौकिक तोड़ भी निभानी है और अलौकिक तोड़ भी निभानी है। जो नॉन सरेंडर है उनको निभानी है या नहीं निभानी है? अगर नहीं निभाएंगे तो उनकी सेवा कैसे होगी? हैं? हैं? वो देने को राजी नहीं होंगे ना? देने को राजी नहीं होंगे? काम के बहुत बड़े विरोधी है। हैं? विरोधी है। विरोधी है, लेकिन बाबा ने कहा है कि बच्चे को दादे का वर्षा जरूर मिलता है। बाप अपनी कमाई का वर्षा दे या न दे? बाबा नहीं है। हैं? दादा हो या न हो, दादे की प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो जो दादे की प्रॉपर्टी है उस पर बच्चे का हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। झूठ क्या? झूठ क्या बोलना? हम वो नहीं चाहते कि तुम इधर उधर कहीं दे दो। हाँ, मुझे कहो क्या हम भीख मांगेंगे, जिंदगी जिएंगे? हैं? अरे हमारी जिंदगी है कि नहीं है? या हमने लाल पीले कपड़े पहन लिए? हम कोई सन्यासी तो नहीं बन गए? तो कहो हमारा हिस्सा हमको दो। नहीं देते हैं तो कोर्ट से ले सकते हो। हाँ बाबा, आत्माएं अपने पावर से ऊपर उठ ही नहीं सकती, निर्बल आत्माएं। बाप के करंट से लास्ट में बाप के करंट जो मिलेगा, शकाश जो मिलेगा, उससे ही आत्माएं ऊपर उठेंगी। वो भी जिन्होंने अभी पुरुषार्थ किया होगा लंबे समय का, उनको पहले उठाया जाएगा, या जिन्होंने हिम्मत ही नहीं की, आराम से संदेश लेकर घर में बैठ गए और दुनियादारी का सुख भोगते रहे, उनको करंट पहले मिलेगी। हैं? जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया। हाँ, तो नंबर वार हैं। और बाबा, जब पाताल मुख कहा जाता है तो पिछला जो जन्म है रामबारी आत्मा है वो काउंट किया जाएगा क्या बाबा? पिछला, पिछले जन्म के आधार पर राम वाली आत्मा को शिव बाबा ने तीर कमान दिया कि नहीं दिया? शिकार करो और खाओ। हैं? तो पूर्व जन्म के आधार पर ही तो है, ज्ञान के बाण और पुरुषार्थ रूपी धनुष नहीं है? फिर लौकिक बाप भी होते हैं, बड़ा बच्चा अलग हो जाता है, बाप को नहीं मानता है, तो जो सच्चा बाप होता है वो बाप के, वो उस बच्चे के हिस्से की प्रॉपर्टी उसको दे देता है। जाओ भाई, अपना कमाओ खाओ। बाबा जी भी कहा जाता है कि एक बार निश्चय जिस समय से हुआ, हैं? एक बार निश्चय हुआ जिस समय से, वो
और बीच में निश्चय नहीं टूटना चाहिए तभी तो अकाल पुरुष कहा जाएगा, लेकिन बीच में शरीर भी छोड़ दिया ना इनका। शरीर छोड़ना कोई निश्चय टूटना नहीं है, शरीर जो है वो योद्धा युद्ध करते करते शरीर छोड़ता है, तो उस योद्धे के दिल में क्या होती है बात। कहते हैं युद्ध करते करते अगर शरीर छूटा तो कहाँ जाएगा, है स्वर्ग में जाए। हतो वा प्राप्तस्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम, अगर मर गया तो स्वर्ग में जाएगा। हाँ 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 हार गया तो प्रजावर्ग में चला गया ना, स्वर्ग में तो जाएगा। अरे हाँ हाँ तो उस भाई की बात पूरी नहीं हो गई, तुमने बीच में टांग अड़ा दी। हाँ बोलो क्या बोल रहे। 1947 से मोदी की शुरुआत हुई, नाइट का चैंपियन होते 21 वर्ष होते 1969 तक। हाँ तो गीता के 18 अध्याय किस दिसंबर साबित, गीता के 18 अध्याय तब साबित होंगे जब यज्ञ में कोई स्थान बन जाते हैं और उसकी कापियां निकलने लग पड़ती हैं। रुको, जो लिखित में कापियां निकली हैं वो भक्ति मार्ग में द्वापर से निकली हैं या सतयुग त्रेता में भी थी, द्वापर से निकली। ऐसे यहाँ भी है, 47 से 50 51 तक कोई कापियां नहीं निकलती थी, बाबा का परिवार अंदर ही अंदर था, कोई बाहर नहीं गया था, इसलिए वहां की वही मुरली सुन लेते थे। जब ब्रह्मा कुमारियों को बाहर भेजा गया कि जाओ सिंधी कॉलोनियों में, तुम्हारे रिश्तेदार वहां फैले हुए हैं उनकी जाके सेवा करो, तो उनको मुरलियों की कापियां छाप छाप करके बाई पोस्ट भेजी गई, तब से काउंट किया जाएगा। जब हम 1950 से भी अगर माने तो ये फिर 20 साल होता है। 20 साल होते हैं, कहाँ 20 साल होते हैं, 68 में तो शरीर छोड़ दिया पूरा करके। 19 साल हुए ना फिर। अरे तुम अपना लगा रहे हो गुंतारा, 50 में धीरे धीरे आए हैं वहां से, पहले बंबई में आकर ठहरे, बंबई में आकर के बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अहमदाबाद में कोई बड़ा बंगला ढूंढो, वो बड़ा बंगला अहमदाबाद में नहीं मिला, क्योंकि बाबा जानता है, शिव बाबा जानता है कि नहीं कि जो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं कहां से निकली, है सोमनाथ सोमनाथिनी से। जहाँ सोमनाथ का मंदिर है वहाँ सोमनाथ सोमनाथिनी भी होंगे। तो कापियां ही नहीं है, काउंट कहां से करोगे। उसकी कापी होगी रिटेन में तब तो कोई प्रूफ होगा, कापियां है ही नहीं। हाँ मूर्त कहा जाता है ना, अकाल मूर्त माने मूर्ति है। हाँ बाबा, जब अगर शरीर के लिए लागू नहीं किया गया है, अगर शरीर के रूप आत्मा को काल खाता है, आत्मा को तो खाता ही नहीं है। हाँ इसलिए शरीर छूट जाता है।
शरीर की मूर्ति बनाई जाती है। शरीर तो छूट गया। किसका शरीर छूट गया? अरे उस समय का गायन थोड़े ही अकाल मूर्त का, अकाल मूर्त का गायन है सन 76 से। बाप की प्रत्यक्षता का टाइम कौन से सन से गाया हुआ है? 76 से। और हाँ क्या बोल रहे थे बाबा? हाँ वो ज्ञान सुनाते हैं, कोई भी ज्ञान सुनने आता है तो एक को सुनाते तो वो अव्यभिचारी उसकी बुद्धि में बैठता है ज्ञान अच्छे से, लेकिन वो अनेक आ जाते हैं, दो चार पांच आ जाते हैं, फिर उनको सुनाना पड़े तो कैसे सुनाते? एक परिवार है, एक परिवार का मुखिया है, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको इकट्ठा बैठा दो। अलग अलग परिवार के हैं तो दूसरी बहनों को दे दो, टाइम अलग अलग कर दो। और अगर कोई जिंदा में पड़ जाए तो बोलते बाबा को याद करें, तो कौन बोलते हैं दुविधा में पड़ जाए तो बाबा को याद करो? हैं? दुविधा में पड़ जाए तो बाबा को याद करो, वो लोग बोलेंगे जिनको बाबा मिला ही नहीं। बेसिक वाले बोलेंगे कि अगर दुविधा में पड़ जाओ तो क्या करो? बाबा को याद करो। अब बाबा वहां है ही नहीं। मुरली में बोला साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, तो वो तो उल्टा पलटा जवाब दे देते हैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए। ये थोड़े ही है कि दुविधा में पड़ जाओ तो बाबा को याद करने से दुविधा दूर हो जाएगी। नहीं, बाबा ने मुरली में बोला है मुरली को 6 बार पढ़ना चाहिए तब बुद्धि में बैठेगी। सब समस्याओं का समाधान मुरली से मिल सकता है, रोज की मुरली से। और रोज का क्लास करते ही नहीं है, करते भी हैं तो थर्ड क्लास मुरली का क्लास करते हैं, कागज की मुरली है थर्ड क्लास, टैप रिकॉर्डर की मुरली है सेकंड क्लास, और फर्स्ट क्लास जो सन्मुख सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली। और बोला बाप से बातचीत करते हैं ये मुरली नहीं है क्या? नहीं है, है? मामा, ये भी क्या आदमी है बाप के द्वारा युक्ति वाणी चली, तो ये भी क्या आदमी है बाप के द्वारा भी चली ना? आदि में माँ के द्वारा चली। अरे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन आदि में हुआ या मुरली चलना पहले शुरू हो गई? तो वो मुरली नहीं है। वो तो 42 से लेके 47 तक की बात है, जब पीयू चला गया, जब पीयू वाली आत्मा चली गई उसके बाद माताओं में आकर के लिखवाते थे। कौन सी मुरली में कहा कि मैं माताओं में नहीं आ सकता? ये बोला मैं कन्याओं में नहीं आ सकता, कन्या तो पवित्र होती है। 1942 से 1946 तक माता के द्वारा जो वाणी चली, तो वो तो उनका सुखी स्वर्ग द्वारा ही चली ना। अरे माता की जो वाणी है वो माता की वाणी है, पीयू की वाणी थोड़े ही है। पीयू बाप को कहा जाता है, पीयू की वाणी प्रजापिता को कहेंगे। हाँ।
कहा जाता है। क्या गौर मध्य प्रकृति के बीच में जो आत्मा रहती है निवास करती है ना, प्रकृति के मध्य में आत्मा निवास करती है ना, प्रकृति में। हाँ, तो जो रोशनी आंखों से निकल रही है बाबा। हाँ, स्कूल कहेंगे ना, स्कूल रोशनी है ना। हाँ, रोशनी ही तो है ये, रोशनी स्थूल होती है कि रोशनी पकड़ी जा सकती है। माने आत्मा की रोशनी कही जाएगी ना ये। हाँ जी, अंधेरे में जब हम होते हैं तो उन वस्तुओं को देख नहीं पाते। ओहो, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सूर्य है, सूर्य है तो दिखाई पड़ेगा, सूर्य नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। संगम युग है, ज्ञान सूर्य है तो सच्चाई दिखाई पड़ेगी। अगर ज्ञान सूर्य है ही नहीं, संगम युग है ही नहीं, तो अंधे की औलाद अंधे हैं क्या है? ब्रह्मा की रात कहेंगे या दिन कहेंगे? बस। और जोर से बोलो ना बाबा, साकार मुरली का पाठ महादौर में चल सकता है क्या भविष्य में? साकार मुरली का पाठ जैसे यहाँ चल रहा है, जैसे भविष्य में महादौर में चल सकता है क्या? हाँ, चल सकता है, चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है? अरे अभी नहीं चल रहा है ना। कहाँ? महादौर में। माने माउंट आबू में ही चलेगा तभी आप सुनेंगे? नहीं, अभी मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन जो आत्माएं वहाँ निकल रही है, कुछ आत्माएं वहाँ निकल रही है तो वो बोलते कि बाबा यहाँ आ सकते हैं। भविष्य में बाबा आएंगे क्या? भविष्य में बाबा आएंगे, तब तक अपने दुनियावी धंधा दोरी में ही फंसे रहेंगे, देह का सुख लेते रहेंगे। अरे ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थी कही जाएंगी या नीच पुरुषार्थी हैं? है? अरे देह में फंसने वाली कैसी है? नीच, भगवान आया हुआ है और देहधारियों में फंसे हुए, देह का सुख लेने के लिए, देह के पदार्थों का सुख लेने के लिए फंसे हुए हैं, तो नीच पद पाने वाले हैं या उच्च पद पाने वाले हैं? अरे भगवान माउंट आबू में आएगा तभी सुनेंगे, हैं? ये क्या बात हुई? भगवान के लिए तो गाया हुआ है, घर में घर घर में जाकर के ऋषि मुनियों को सुख दिया है, घर घर माने गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मधुबन, जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे, ऐसे ही तो बोला है अव्यक्तवाणी में। माना बाबा ने जो बोला वो झूठा बोला, उसे नहीं मानेंगे, है? हाँ, हाँ। ये मानते हैं कि 1942 से 1946 तक जो माता के द्वारा जो वाणी चली वो है पीयू की वाणी। पीयू कैसे है? पीयू बाप को कहा जाता है। नहीं तो वो ऐसा मानते हैं कि मानने दुनिया क्या मानती है हमें उससे क्या लेना देना, दुनिया जो मानती है हमें उसको ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जरूरी है। अरे हमें बाबा की बातों पर ध्यान देना जरूरी है। राम को नहीं मानते हैं? अरे तो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ किसने बताया? छुपा दिया? तो छुपाने वालों की बात तुम क्यों ज्यादा ध्यान से सुनते हो? नहीं, है?
दिल में बैठी हुई तो है बात, इसलिए तो भरी सभा में सुना रहे हो। बात कर रहा हाँ, ऐसे है कि जब गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते थे उस समय साकार की याद बहुत करते हैं 18 जनवरी को। ये 18 जनवरी की वाणी है। हाँ जी, तो साकार की याद बहुत आती थी ब्रह्मा कुमारियों को। तो बाबा ने ये वाक्य बोला अव्यक्त वाणी में कि साकार स्नेह तुम्हारा ज्यादा है, उस साकार स्नेह के रिजल्ट में रिटर्न में साकार तुम्हारे सामने मौजूद है। अब तुम पहचानो या ना पहचानो। और हाँ, वहाँ इच्छाएं चलेंगी। आज की दुनिया में इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही हैं कि द्वापर में इच्छाएं ज्यादा थी कि त्रेता में इच्छाएं ज्यादा थी कि सतयुग में इच्छाओं का अंबार था कि संगम युग में इच्छा मात्र में अविद्या बनेंगे। संगम में बनेंगे तो ये सबसे ऊंची दुनिया है जहां हमारी कोई इच्छा नहीं। जो बाप की इच्छा सो मेरी इच्छा।